तो ये है इसका ब्लोअर, HVAC में जो आपका ब्लोअर चलता है जिससे अभी ऑपरेट होता है। अभी इसका HVAC वही पड़ा हुआ है, इसमें कूलिंग कॉइल हीटर कॉइल लगा हुआ है। ये सिर्फ ब्लोअर है जो कि हवा चलता है, तो ये जो एयर है वो यहाँ से ट्रांसफ़र करता है कूलिंग कॉइल में, हीटर कॉइल में लड़के फिर हवा आपकी जो है अंदर आती है। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने इसको सब सफाई कर ही रहा था, तो मैंने सोचा ब्लोअर सिस्टम खोल के और ये जो फ़ैन है और ये जो अंदर जहाँ हवा ये घूमती है इसको मैं कपड़े से पोंछ लूँ। तो काफ़ी डस्ट था, इधर भी डस्ट था, इसके अंदर भी डस्ट था, काफ़ी ज़्यादा डस्ट था। अभी क्लीन कर दिया है मैंने सब कुछ बढ़िया एकदम। इसको फिटिंग करनी है, तो फिटिंग करने के लिए बस मुझे रखना है इसको यहाँ इसके पोजिशन पे, अलग पोजिशन पे ये फिट हो जाता है, लेकिन इसको आप यहाँ पे यूं ऐसे करके इस पर देखिए यहाँ पे जो होल बना हुआ है इस पर इसको रख के आपको फिट करना है। ये आपका फिटिंग हो जाएगा, ये हमारा ब्लोवर पूरा फिट हो गया है, तीनों स्क्रू कसा गए हैं पोजिशन पे। अब इसको घुमाते हैं। अब कुछ कुछ ये चीज़ें छूट गई थी, जैसे ये कॉर्नर पे थोड़ा मोड़ा चीज़ डस्ट है, इसको भी क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। उसके साथ पानी धो लीजिएगा, पानी धो लेंगे तो उसको आराम से आप क्लीन कर लेंगे, पर मैं पानी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कपड़े से मैंने पोंछ दिया है इसको, पानी से पोंछ के क्या ही मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके कवर को लगाएंगे, पहले कवर भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्लीन हो गया है, अब ये जो कवर है ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डस्ट वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसको भी बहुत ज़रूरी है क्लीन करने का। क्लीनर से कुछ होता नहीं है, मैंने डस्ट क्लीनर इस्तेमाल किया था पर देख सकते हैं कुछ खास क्लीन नहीं कर पाया उसने, क्योंकि ये पूरा ये जो मिट्टी है ना इसमें जम गई है, तो जब मिट्टी जम जाती है तो फिर आपको अपने हाथ इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है हाथ। तो गाइस ये हो गया क्लीन, देख सकते हैं अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास मेरे पास ये क्लीन हो चुका है, मैंने इसको साफ़ कर दिया एकदम से अपने हाथों से, और ये सब कुछ ठीक है, प्रॉपर एकदम है। ठीक है, एक नंबर है। उसको हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सिंपल है, कुछ करना नहीं है। यहाँ तो लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो लॉक्स वहाँ पे दिए हुए हैं, हटो देखिए वहाँ पे अभी, और यहाँ पे स्क्रू है, तीन स्क्रू हैं, ठीक है, तीन, एक दो तीन, आपको बस लॉक लॉक पे लगाना है, स्क्रू स्क्रू पे लगाना है। ये जो है मेरा ये लॉक जो गड्ढा है होल है इस पर मुझे बैठाना है, ठीक है, प्रेस कर देंगे। कट से आवाज़ किया, एक कट से आवाज़ बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, कट से जो आवाज़ है ना इसके बिना कुछ काम मज़ा नहीं आता। तो ये बैठ गया यहाँ पे, देखिए सील है, प्रॉपर बैठ गया। अब यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे, एक ये स्क्रू, दो और वहाँ पे तीन, ठीक है, तीन स्क्रू लगाते हैं, टाइट करते हैं, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ब्लोवर सिस्टम। मतलब गर्म हवा नहीं, केवल हवा एयर के लिए, जो एयर फेंकता है उसके लिए केवल ये है, ठीक है, ये एयर को आपके AC के थ्रू केबिन के अंदर फेंकता है। तो ये हवा का जो है इसको आप आराम से क्लीन कर सकते हैं, अगर डैशबोर्ड खोल चुके हैं आप, तो कोई आपको AC गैस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, इतना ध्यान रखिएगा। बहुत सी गाड़ियों में साथ साथ में रहता है, पर ये इस गाड़ी में अलग है, मतलब इसमें आप इसको अटैच भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अटैच हो जाएगा स्क्रू के माध्यम से, बाकी और उसमें कुछ नहीं करना आपको।